हमारे पूर्वजों ने हमेशा अपनी सूझबूझ और शार्प मैथमेटिकल स्किल्स की मदद से इस दुनिया के रहस्यों को समझने की कोशिश की। सूरज और तारों की मदद से अपने रास्ते बनाए। पृथ्वी पर स्थित कुछ प्रमुख चिन्हों के रेस्पेक्ट में खुद की पोजीशन को मेजर करके वो हजारों किलोमीटर यात्रा कर सकते थे। गणित के कुछ सिद्धांतों और सेक्सटेंट नाम के एक टूल का यूज करके लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता लगाया जाता था। इसके लिए होराइजन के रेस्पेक्ट में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के एंगल को मेजर करना होता था। ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें कई कैलकुलेशंस, मैप्स और चार्ट्स यूज होते थे। इसके पीछे का सिद्धांत ये था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को दिन के किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के किसी एक पॉइंट पर रखा जाए तो इससे उसकी पोजीशनिंग आसान हो जाती थी। अब हर लाइन में हर एक पॉइंट का अपना नंबर होगा, जिसे कोऑर्डिनेट कहा जाता है। इसका मतलब दुनिया में जहां भी ये लाइंस क्रॉस होंगी, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की सहायता से उस जगह को लोकेट किया जा सकता है। मॉडर्न कंप्यूटर्स इसी तरह की मैथ्स और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या GPS का उपयोग करके किसी की भी लोकेशन बता सकते हैं। पृथ्वी से 18,000 किलोमीटर ऊपर 24 सैटेलाइट्स का ये नेटवर्क किसी भी स्थान को 3.5 मीटर की एक्यूरेसी से लोकेट कर सकता है और किसी भी डेस्टिनेशन के लिए हमें रास्ता भी बता सकता है। GPS मूल रूप से अमेरिकी सेना के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन आज ये कई वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में उपलब्ध है। तो ये GPS आपकी लोकेशन कैसे कैलकुलेट करता है? उन्हीं मैथमेटिकल मेजरमेंट से जो हमारे पूर्वज यूज करते थे। मान लीजिए आप GPS का यूज करके अपनी वर्तमान लोकेशन का पता करना चाहते हैं। हर समय आप कम से कम 4 सैटेलाइट्स की नजर में रहते हैं। लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज करके 3 सैटेलाइट्स आपकी लोकेशन का पता लगाते हैं। तीनों सैटेलाइट्स और आपके स्मार्टफोन के बीच की दूरी और एंगल को मेजर करके आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता की जा सकती है और चौथा सैटेलाइट आपका एल्टीट्यूड कैलकुलेट करता है। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स का ये नेटवर्क लाइट की स्पीड से सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, इसलिए ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स मैथ्स की मदद से 3D स्पेस में आपकी पोजीशन को विजुलाइज किया जाता है, फिर चाहे आप एक पर्वत की चोटी पर ही क्यों ना हो। आज इस GPS तकनीक को हर जगह देखा जा सकता है। इसी तकनीक से कई वाहनों को दूर से ही ऑपरेट करना संभव हुआ है और इसी ने ड्राइवरलेस कार के हमारे सपने को वास्तविकता में बदल दिया है। तो आपने देखा कि किस तरह मैथ्स ने इस दुनिया को समझने में हमारे पूर्वजों की मदद की, और आज मैथ्स ने ही किसी भी ट्रांसपोर्ट को यूज करते हुए पूरी दुनिया की यात्रा करना पहले से काफी आसान बना दिया है।